मीठा मीठा सदर्द ले लिया। सुनो ओ प्रिया, मैंने तुमको दिल दिया। नहीं, इस प्रिया को तो नहीं। देखो यार, कोई भी अपना गुस्सा निकालने से पहले सबसे पहले एक चीज़ सुन लो कि मैंने इससे पहले वीडियो डाला था और वो वीडियो जो है 10,000 लोगों तक रीच पहुंच चुकी थी, मतलब 10,000 व्यूज आ चुके थे, लेकिन उसके बावजूद जो है YouTube ने उस वीडियो को रिमूव कर दिया। रीजन ये बताया कि भाई इसके अंदर में जो भी कॉन्टेंट मैंने डाला है, जो विजुअल्स मैंने डाले हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक है। मतलब सीरियसली YouTube का फंडा समझ में नहीं आता। तो चलो यार, अभी उसी अपडेट को जो है मैं आपको बताता हूँ, जहां तक पॉसिबल हो पाएगा मैं विजुअल्स दिखाऊंगा। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो, और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो देखो यार, प्रिया दर्शनी, भाई एक तो प्रिया किसी की हो नहीं सकती और दर्शनी, ऐसे प्रिय का कोई दर्शन नहीं करना चाहता है, लेकिन फिर भी हम पूरे देशवासियों ने एक साथ मिल करके कई ज्यादा मात्रा में कई बार हमने इनका दर्शन किया है, क्योंकि इन्होंने कुछ कांड ही ऐसे किए। आपको लास्ट वीडियो में पूरा स्टोरी मिल जाएगा कि एग्जैक्टली उस वक्त तक क्या हुआ था। और अभी इस वीडियो में यह बताने वाला हूँ कि भाई हमारे कैब ड्राइवर जो है शहादत अली और वहीं पे प्रिया दर्शनी ने, दोनों ने अपने अपने पक्ष रखे मीडिया के सामने में जाकर के, और खास करके सबसे दमदार इंटरव्यू अगर मुझे कुछ लगा तो प्रिया दर्शनी का है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शहादत अली को गलत ठहरा रहा हूँ, मैं गलत किसी को भी नहीं ठहरा रहा हूँ, ऑडियंस काफी है इस चीज को समझने के लिए, मैं बताने वाला कोई नहीं होता हूँ। तो भाई शहादत अली ने जहाँ अपने इंटरव्यू में कहा कि मुझे कुछ भी नहीं, मुझे सिर्फ अपना आत्मसम्मान वापस चाहिए, जो मैंने इज्जत गवाई है सरेआम उस लड़की से पिट करके, वो मुझे वापस चाहिए। इस बारे में मैं बात करूंगा, वीडियो को आगे तक देखते रहना, इसको याद रखना कि प्रियदर्शनी ने कहा कि भाई मुझे 2 साल से मारा जा रहा था और 2 साल से मुझे हमेशा आते जाते मारते रहते थे। अब इस लाइन का जो है रियलिटी से कितना ज्यादा कनेक्टिविटी है वो हम सबको पता है। उसके ऐसे आगे उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि भाई शहादत अली जब लॉकअप से निकले तो अपने साथ में 100-150 लोग लेकर पहुंचे और उनको जो है मारा पीटा, यानी 100-200 लोग मिल करके उनको मारे पीटे और मारते मारते लथाड़ते हुए 300 मीटर की दूरी तक लेकर के गए। अब हाँ, पता है बहुत सारे लोग कह रहे होंगे सुन चुका हूँ भाई आगे बता, ठीक है आगे बताता हूँ। इतना दमदार पिटाई होने के बाद उन्होंने अपने हाथ और पांव की हड्डियां दिखाई, जो कि भाई टूट के चकनाचूर हो गई थी। प्लास्टर ये बड़े बड़े थे कि भाई पूरी इंडिया का प्लास्टर कम पड़ जाए, मतलब जितने भी लोग लगा ले 120 करोड़ लोग, उससे भी ज्यादा प्लास्टर इनके हाथ और पांव में लगे हुए थे। इनका कहना था कि उन लोगों ने जो है इनको पकड़ करके मारा है, तो वो वीडियो फुटेज कहाँ है बताओ, वो सीसीटीवी फुटेज किधर है। मतलब चोर ये कह रहे हैं कि भाई मैं चोरी करने गया था और इन्होंने चोरी करने के लिए बोला, और इस बात का सीसीटीवी फुटेज कहाँ है। तो अब चलो बात करते हैं शहादत अली की, कि शहादत अली ने कहा है कि अगर इस लड़की को अरेस्ट नहीं किया गया तो मैं जान दे दूंगा, सुसाइड कर लूंगा। भाई इस बारे में एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि प्लीज यार, जान देने की जरूरत नहीं। और जहां तक की सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, अगर आप गलत होते और उसके बाद से किसी और के हाथ बेइज्जत हुए होते तो आपकी इज्जत गई होती, आपकी इज्जत नहीं गई है। देश आपको कहीं ज्यादा रिस्पेक्ट करने लग गया सिर्फ इस चीज के ऊपर में कि आपने एक लड़की से 22 थप्पड़ खाए सरेआम, और एक मर्द का जो ईगो होता है उसको साइड में रख करके आपने अपने अंदर की सहनशीलता को दिखाया, और इस चीज के लिए पूरा देश आपको सल्यूट करता है। तो भाई आपको सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसा मत सोचो कि चला गया है। हाँ, लेकिन शहादत अली ने जो अपने बयान में कहा है कि इसको अरेस्ट करना जरूरी है, इसको अरेस्ट करना ही होगा, इस चीज से हर किसी को सहमति होनी चाहिए कि भाई ये लड़की ने जो है गलत किया है, और इस लड़की को अरेस्ट अगर नहीं किया गया तो नेक्स्ट टाइम और भी लोग इसी तरह का फायदा उठा सकते हैं। अब इस लाइन के एंड में मैं ये नहीं कहने वाला हूँ कि इस तरह की लड़की, क्योंकि लड़की के साथ साथ लड़के भी कानून के फायदे उठाते हैं, और लड़कियां तो बहुत ही ज्यादा आजकल पता ही है आप लोगों को, मतलब अगर जरा सा कुछ हो तो सीधा एकदम लंबा चौड़ा केस डालते हैं। अब लड़की कह रही है कि भाई मैंने जाके खुद रिपोर्ट लिखा है तो मेरे ऊपर में केस तो नहीं बन सकता ना। अब बात करते हैं एकदम लेटेस्ट वीडियो के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद से मुझे इतना समझ में आ गया है कि इसको कोई जो है ना हैंडल कर रहा है, कोई इसको ये समझा रहा है कि अभी अगला स्टेप क्या होना चाहिए, वरना तुम बुरे तरीके से फंसने वाली हो। तो मैडम ने क्या किया कि एक पड़ोसी के घर के बाहर में जाके खड़ी हो गई और कहने लगी कि जो गेट है वो गेट का कलर काला है, इन लोगों ने जानबूझ करके इसका पेंट ब्लैक कलर का करवाया है, और इसके वजह से जो है काफी बहुत सारे सैटेलाइट इस घर के ऊपर में मंडराते हैं, और उससे मुझे खतरा है, और इस ब्लैक रंग से भी मुझे खतरा है। अब देखो, जब ये सारी चीज वो बोल रही होती है तो वो खुद ब्लैक ड्रेस में होती है, उनके बाल काले, उनकी आंखों की जो रेटिना होती है वो सर्कल, वो भी काला, यहाँ तक के और भी बहुत सारी चीज काली होती है, यानी ये खुद काला पहन करके दूसरे को बता रही होती है कि काला रंग से मुझे खतरा है। तो मैम आपने खुद काला रंग का पहना है। तो इन सभी चीजों को देखने के बाद से मुझे इतना तो समझ में आ गया कि मैडम जो है पूरे तरह से
केस लड़ रही है। हाँ, केस दायर हुए बिना ही उससे पहले ही वो अपना केस लड़ रही है ताकि उनको जो है कोर्ट में ये बोला जाए कि भाई इनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है और इनको हम सजा नहीं दे सकते। पर सबसे एक गुजारिश है, ऐसे पागल दिमाग वाले को खुले भी तो मत छोड़ो यार। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है इनके साथ क्या करना चाहिए, इनके ऊपर में किस तरह के एक्शंस लेने चाहिए। और वैसे भी मैं बोलने वाला नहीं हूँ कि यार कुछ ट्रेंड चलाओ, ऑलरेडी चल रहा है हैशटैग अरेस्ट लखनऊ, और एक चल रहा है जस्टिस फॉर शहादत अली, जस्टिस फॉर कैब ड्राइवर लखनऊ। तो भाई ये सारी चीज जो है आपको पता है क्या करना है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो यार चैनल पे नए हो तो कैरी के स्टाइल में वो जो लाल वाला बटन है उस पे जाकर के 22 थप्पड़ लगाओ या फिर उस पे जाके गाड़ी भिड़ाओ, लेकिन वो लाल बटन जो है दब जाना चाहिए, उसको सफेदी की चमकार मिलनी चाहिए, और बाजू में जो घंटा है बिल्कुल वैसे ही बजाना जैसे कि दैट्स इट, खत्म, बस खत्म। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, साइन एंड हस्ता ला विस्ता।